चलो बिना किसी फालतू बकवास के स्टार्ट करते हैं अपने कुछ न्यूमेरिकल्स की चलिए बातें, शुरू ठीक है? करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे पास क्या कह रहा है? हाँ, वेरी गुड। मतलब सबसे ज्यादा हंसी किसको आ रही है वो दिख रहा है। हाँ, तो देखो अब हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन लग बोल रहा रहे है हैं। हाँ कौन हाँ बनेगा करोड़पति वाला खेल या हो रहा है यहाँ टू पे। सिक्स ये रहा टू आपके सामने सेवन पहला सवाल। वेरी गुड। तो ये अब देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी सबशेल्स आर एसोसिएटेड विद दी एन इज इक्वल टू 4। अब ये एन क्या है तुम्हारे पास पता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। अब जरा बताना, फोर के अंदर वैसे देखा जाए तो तुम्हें पता है फोर के अंदर फोर एस भी होता है, फोर पी भी होता है, फोर डी भी होता है और फोर एफ भी होता है, यस और नो? यस अरे सर। पहली वाली में सिर्फ एस होता है, दूसरी वाली में एस और पी होता है, तीसरी वाली में एस पी डी होता है, फोर्थ वाली में एस पी डी एफ होता है। हर बार एक बढ़ जाता है ना? नहीं आया कुछ समझ, इतना कहाँ आता है समझ में? अरे बोल दो यार। सर तो इसका मतलब कितनी मेरे पास सबशेल हो गई है फोर्थ के अंदर? चार चार। चार हो गई। एक मेरे पास एस है, एक पी है, एक डी और एक एफ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? चार। कार्तिकेय आया नहीं आया है? बताओ ये क्वेश्चन। कार्तिकेय मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सर तुम ना तो गुड इवनिंग करते हो ना कुछ करते हो। नेट नहीं चल रहा था आज मेरा। अच्छा, इसलिए गुड इवनिंग करना भूल गए। वेरी गुड। अच्छा अभी मेरे पास है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन दी सब शेल और हैविंग एम एन, उसकी वैल्यू माइनस हाफ दे रखी है और एन इज इक्वल टू 4 दे रखा है। यार अब खुद सोचो यार, अब हमें सबसे पहले बात, उसने एन 4 दे रखा है, ठीक है? तो इसका मतलब हम शेल 4 शेल के अंदर आ चुके हैं। अब उसने बोला हैविंग एम वैल्यू माइनस का हाफ। एम माइनस का हाफ कितनी है इसने? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन दी सब शेल हैविंग एम वैल्यू ऑफ माइनस का हाफ। क्या प्यारे प्यारे बच्चों एम की वैल्यू माइनस का हाफ हो सकती है? सोचो। यस सर, हो सकती है। अच्छा एम एस ये के ना, पास अच्छा एम अच्छा ये एस नहीं। एक सेकेंड एक सेकेंड, ये एम नहीं है, ये एम एस है, ठीक है ना? वो छोटा सा ध्यान से देखो, अगर तुम नजरों से देख पा रहे हो तो देख रहे है? रहा ये एम एस है, ये एम नहीं है। मैंने एम एस एम समझ लिया, क्योंकि एम की वैल्यू तो माइनस हाफ हो ही नहीं सकती, वो तो माइनस वन माइनस टू प्लस वन प्लस टू होती है ना। तो हाफ तो है। सिर्फ एम एस होता है, लास्ट वाला स्पिन क्वांटम नंबर। तो अब स्पिन क्वांटम नंबर उसका मतलब वो पेयरिंग होके आया या पेयरिंग से पहले की बात कर रहा है? पेयरिंग अब पेयरिंग होकर आया। अब जरा बताना, अब माइनस हाफ किस किस का हो सकता है? देखो एस के अंदर भी पेयरिंग होती है, पी के अंदर भी पेयरिंग होती है, डी के अंदर भी पेयरिंग होती है, एफ के अंदर भी पेयरिंग होती है। जरा बताना एस के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है? होकर पी के अंदर थ्री, डी के अंदर आया पांच और एफ के अंदर सात। तो जरा बताना अब पेयरिंग होने के कितने चांस है? सब चारों में अरे चारों में, सब में ना ऐड ऐड कर लो। हाँ, कर तो जितने भी हैं ये सब सबको ऐड, तो ये एक, ये तीन, ये पांच और ये सात। तो जरा बताना कितना हो गया टोटल? चार पांच नौ, नौ सोलह सात, तो टोटल सोलह सोलह। सोलह इसका मतलब अब माइनस हाफ वैल्यू किसके अंदर हो सकती है? 16 के अंदर। भाई इसका भी माइनस हाफ हो सकता है, इसका भी माइनस हाफ, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। भाई पेयरिंग तो सब ऑर्बिटल में हो सकती है ना प्यारे प्यारे बच्चों? सर। नहीं आ रहा कार्तिक को कुछ समझ में। Could you आस्था please just repeat? भाई एम एस हाफ बोल रखा है, एम एस माइनस का हाफ बोल रखा है। एम एस का मतलब क्या होता है कि जो बाद में आता है इलेक्ट्रॉन, जैसे सारे रूम एक एक भर चुके हैं, अब हम तुम्हें पेयरिंग करवानी है सब रूम के अंदर, एक एक फिट करना है। तो जितने भी रूम अवेलेबल होंगे सब में पेयरिंग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? देखो फोर्थ के अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये सारे रूम्स हैं, तो अब इन सबके अंदर पेयरिंग करवा सकते? नहीं करवा सकते। सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन जो आता है हर बॉडी रूम में, तो ये टोटल कितने हो गए? 16 ही तो हो गए। आस्था मेरी बात समझ में आ रही है? माइका अच्छा, मतलब सर सारे थे। हाँ भाई, फोर्थ शेल की बात कर रहा है ना भाई, एन इज इक्वल टू 4, तो एन में तो सभी होते हैं ना। आस्था कोई डाउट है क्या? नो ठीक है, बहुत सिंपल है। और मैंने इसका एक तरीका भी बताया था वैसे, ऑर्बिटल निकालने का। ऑर्बिटल निकालने का तरीका होता है एन स्क्वायर, भूल गए? मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था। तो अब जितनी ऑर्बिटल होंगी उन सब में पेयरिंग हो सकती है। तो अगर एन तुम्हें 4 दे रखा है तो एन का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा मेरे पास 16। ये मैंने ट्रिक भी बताई थी, पर इतना याद कहाँ रहता है हमें, ठीक है ना? हम तो ना समझ बच्चे हैं, क्योंकि 2 महीने की छुट्टी में तुमने एंजॉय किया है, सॉरी एक एक हफ्ते की छुट्टी में, पर वो 2 महीने जैसे ही थी, दो महीने की छुट्टी वो दे दो दी महीने थी। जैसे ही थी क्लास वैसे भी, ठीक है? नहीं चल रही थी थे सर, नहीं थे हमारी सर, एक क्लासेस हफ्ते चल रही पता थी भी नहीं लगे सर, कहने के आठ लिए। से ढाई
बस 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 सबके बहाने स्टार्ट हो गए. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. स्कूल स्टार्ट हो गए थे. ठीक है चलो. अब ये मेरे से बोल रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दी फास्फोरस. अब तुम्हें फास्फोरस के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना. जरा बताना कैसे निकालोगे. सर उनका पहले वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सबको याद है या नहीं? नो सर. वेरी गुड सर. वो याद नहीं हो रहा है सर. क्यों याद नहीं हो रही है? 1s 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 मेरे पास होता है, फिर 2s होता है, फिर 2p होता है, फिर 3s होता है, फिर 3p होता है, फिर 4s आ जाता है p के बाद, फिर 3d हो जाता है, फिर 4p आता है. यहां तक तो याद करो कम से कम. क्या तुम लोगों को 1 2 3 नहीं आता? सर 1 2 3 तो आता है. क्या तुम लोगों को spdf नहीं पता लाइन वाइज? तो वही तो है, बस p के बाद d आ जाता है. फिर क्या दिक्कत हो रही है तुम लोगों को? एक केजी क्लास के बच्चे को ना पूरी सीरीज याद है. जाना कभी एक स्कूल है, बच्चे बता दो. राजस्थान में, राजस्थान में मेरा एक स्कूल है, दी सागर स्कूल. देखना मेरी डीपी पे डली हुई है. वहां के बच्चों, सच मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सच में वहां के बच्चों से जाना पूछना, वो तुम्हें सुना देंगे. तब वो प्रोडिजी होंगे ना फिर. 11th के बच्चे तो फिर आइंस्टाइन बन गए. हाँ नहीं नहीं, आइंस्टाइन वो बनना चाहे बन जाएंगे, लेकिन वो बनते नहीं. कहते हैं हमारा ईगो है, हम क्यों बने, हम अपने आप खुद बनेंगे. आइंस्टाइन हमें बनना चाहेगा, वो तो चलो है नहीं. अब देखो फालतू बकवास मत करो. ये मेरे पास फास्फोरस है. फास्फोरस क्या होता है? 15. तो याद है ना 1s2 2s2. तो 1s2 2s2 p के अंदर कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन टोटल? 6 आते हैं. फिर 3s2. अब जरा बताना कितने इलेक्ट्रॉन बचे अभी? 2 2 10. और अभी कितने बचे हुए मेरे पास? 3 3. तो वो किसमें आएंगे? p के अंदर ही तो आएंगे फिर. अरे भैया ये सीरीज लिखवाई हुई है मैंने. तो जरा बताना यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन OMG. Oh my God. यहाँ के बच्चों को तो बहुत बुरी हालत है. कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है आज था? 3 3 है ना भाई. भाई ये सब तो पेयरिंग में है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? ये सब इवन नंबर में है और ये 3 है. तो पी का जो होता है तो पी के अंदर 3 होते हैं. ये सारे अकेले अकेले आ रखे हैं. भूल गए क्या अब्बा रूल? अब्बा पहले सबके सब सिंगल आएंगे, फिर पेयरिंग होगी तो 3 ही तो आए हैं. तो ये अनपेड नहीं है क्या? तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए इसके अंदर? 3. भैया बहुत बुरी हालत है यहाँ के बच्चों की, कुछ नहीं हो सकती. बार बार बोलने के बाद बोल रहे हो. अभी मेरे पास सिलिकॉन है. अब सिलिकॉन क्या होता है मेरे पास? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये भी याद नहीं होगा. 16. अच्छा 16. तो ऑक्सीजन किसका होता है मैम फिर? सॉरी सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन. तो सिलिकॉन कितना होता है मेरे पास? 14 होता है. राइट भाई, सिलिकॉन जो होता है 14 होता है ना. सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सॉरी हाँ सिलिकॉन 14 ही होता है. तो अब जरा बताना कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर. प्यारे प्यारे बच्चे बताओ जरा. मतलब एक हफ्ते की वेकेशन पड़ गई, सब भूल गए, सब डिब्बा गोल हो गया, मल्टीप्लाई जीरो हो गया, जितना सीखा सर. भाई दो दो भाई, जब ऊपर 15 थे तो 3 आया, जब 14 होंगे तो एक कम हो जाएगा, तो 2 ही तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई मेरे. पूरा सब कुछ सेम तो है, बस यहाँ पे 3p कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. तो इस 3 ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? सिर्फ 1 और 2. तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? ये 2 ही तो हुए सर. हाँ सर, मैं ये कह रहा था सर कि सर आपने स्क्रीन आधी कर रखी है. क्या मैंने आधी कर रखी है? सर को उधर लिखना है ना ब्लैक छोड़, सर को साइड में लिखना है, इसलिए साइड में किया है. अच्छा यहाँ पे कह रहे हो लिखने के लिए? मुझे लगा कोई लैपटॉप में परेशानी हो गई. ठीक सर, ठीक. वेरी गुड, बहुत नाइस वॉइस. यस. अच्छा अब मेरे पास ये है, मान लो मैं तुमको बोल रहा हूँ क्रोमियम. अब देखो क्रोमियम का मुझे लगता है तुम लोगों को पता तो है नहीं, क्योंकि तुमने 20 तक याद कर रखे होंगे. तो क्रोमियम होता है स्कैंडियम टिटेनियम वैनेडियम. वो भी याद नहीं. तो क्रोमियम होता है, पता है मुझे, बताने की जरूरत नहीं है. वेरी गुड. तो अच्छा तुम्हें 20 तक भी याद नहीं है, अच्छा ये कह रहे हो. वेरी गुड. तो ये 24 है मेरे पास. तो अब 24 का कितना हो जाएगा जरा बताना, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? तुम्हें पता है लास्ट में जो बचेगा उतना होगा. वाह. 3s2 3p6. अच्छा 3p के बाद क्या आ जाता है? 4s आ जाता है. 4s. मैम बोलने वाली थी गलती से. फिर आ जाएगा 3d. अब देखो 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर चुके हैं, ठीक है ना, टोटल 20 हो गए. अब भरने कितने हैं? 4. तो ये क्या हो जाएगा? 3d4 हो जाएगा. यस और नो एवरीबॉडी? यस सर. तो ये मेरे पास भर गया. लेकिन अगर ठीक है, ये मेरे पास क्रोमियम का हो गया भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत है पहले ये बताओ. नो सर.
आस्था यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा अब तुम एक बात बताओ, मैंने एक लॉ पढ़ाया था अगर तुम्हें याद हो कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होती है, राइट? हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। देखो ये 3D 4 है, D के अंदर होते हैं 5। अगर D के अंदर 5 होते हैं, अब एक सेकंड, ये 5 होते हैं ठीक है, और ये मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अभी अगर इसको एक और मिल जाए तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सर ये 4s1 3d5 हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो देखो ये तो स्टेबल है ही है, 4s2 फुल फिल्ड है ये, 4s तो मेरे पास स्टेबल है ना, पूरा फुल फिल्ड है। तो देखो अगर ये हाफ फिल्ड हो जाएगा तब भी तो ये स्टेबल ही रहेगा। तो ये क्या करता है कि भाई देख, तेरे तू अगर मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो मैं भी स्टेबल हो गया, और तू तो स्टेबल पहले भी था और अब भी स्टेबल ही रहेगा, तो तू मुझे एक काम करना, अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो ये भी स्टेबल हो गया, नहीं हो गया? तो अगर 4s वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये तो स्टेबल तब भी रहेगा, हाफ फिल्ड भी इतना ही स्टेबल होता है और ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा, अभी ये स्टेबल नहीं था। तो फिर इसकी क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखनी चाहिए थी मुझे? 4s1 3d5। तो ये मेरे पास भाई यही चीज मैंने समझाई थी, नहीं समझाई थी? यस सर। तो 4s1 और ये हो जाएगा मेरे पास 3d5। किसी को भी कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? माइका सर, माइका यस सर। हां ये 4s ने अपना इलेक्ट्रॉन क्यों दे दिया, इसका क्या गया? ये कह रहा मैं क्यों दूं, तू है कौन और मुझे क्या फायदा हुआ तेरे से? ऐसे भी तो बोल सकता है, लेकिन इसने बोला क्यों नहीं सर? वो भी पहले से स्टेबल था वो पहले भी स्टेबल था और लूज करने के बाद भी स्टेबल है, तो उसने दे दिया। चल भाई तू भी याद रखेगा तेरा भाई क्या कर रहा है तेरे लिए, तो उसने दे दिया। भाई जब फायदा हो रहा है तो कर सकते हैं ना, इंसानों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, एटम की बात हो रही है। इंसानों से तो कोई हेल्प नहीं करता, मुझे पता है। हाँ हाँ बोलो बोलो। एक सेकेंड मैम, पहले अपना माइक तेज करो, मुझे सुनाई नहीं आ रहा कुछ। फिर बस ये होता कि तुम्हें लॉ पता नहीं है, तुमने ढंग से एटम नहीं पढ़ा, टीचर गलत कर देता है, वो टीचर के मूड के ऊपर है। कुछ लोग सही भी कर देते हैं, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा ये हमेशा। 15 जुलाई को आ रहा है कि 5 जुलाई? 15 जुलाई से पहले आ सकता है, 15 जुलाई से पहले आ सकता है, कभी भी आ सकता है, ये वाली बात है। 15 जुलाई सब लोग बहुत एक्साइटेड है, मैंने सुना है रिजल्ट। नहीं सर, आपने मेरा रोल नंबर बहुत एक्साइटेड बता दीजिएगा। मैं ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक है भाई, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब अच्छा होगा, गारंटीड, मार्क माय वर्ड्स। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने निर्देश दे रखे हैं, अच्छी चेकिंग की जाए और जरा सा भी कुछ उल्टा सीधा करा तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और ध्यान, 90 प्लस आ जाएंगे ना वो तो चलो कोशिश है, लेकिन मैंने बोल दिया 87 किसी को नहीं देने हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं। सर 80 आपने बोल दिया, मेरा सब अच्छा होगा, चिंता मत करो। और कुछ नहीं। अच्छा भाई अब मेरे को ये आयरन दे रखा है, जरा आयरन की वो क्या होता है, स्कैंडियम। अरे यहाँ पे कोई मम्मी नहीं है यहाँ पे। हाँ, स्कैंडियम टिटेनियम, एक सेकंड, स्कैंडियम टिटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीस आयरन, आयरन होता है 26। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, तुम्हारा ज्ञान बहुत अच्छा है। तो यस, तो ये 26 है, तो जरा बताओ कितने इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा मेरे पास, जरा बताना एक बार, कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है? अच्छा पहले वाले में कितने अनपेड हो गए थे फिर, सोचो, 5 और बोला 6, तो 6 हो गए थे ना, क्योंकि एक एस वाला हो गया और एक डी वाला हो गया। ठीक है, अब इसमें जरा बताओ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। माहिका मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जरा बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए अनपेड। सार्थक कह रहे 4। ओके देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p के बाद 4s आ जाता है, तो 4s2। अभी यहां तक ये पूरा 20 हो चुका है, मुझे 6 और भरने हैं, तो मैं बताया 3d आता है, तो 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके होंगे, 6। तो यहाँ पे तो कुछ रीअरेंज नहीं करना है। अब अगर तुम्हें पता है कि डी के अंदर टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं, राइट? तो जरा बताना पेयरिंग कितने लोगों ने करी है फिर? एक। तो ये पहले तो अकेले अकेले भरोगे, सिंगल सिंगल 5 हो गए, अब ये छठे वाला यहाँ पर आ गया, तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 4। तो बस 4 इसका आंसर है। किसी कोई डाउट है? एक बार दोबारा बोल देंगे सर। भाई ये 26 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद है?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही तो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं तो कुछ नहीं हो सकता भाई तुम्हारे लोगों का। तो ये मेरे पास 3D6 हो गया क्योंकि यहाँ तक तो 20 है और ये 6 और भरती है तो 26 हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन। अभी 3D6 है तो जरा डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होती है, कितने रूम होते हैं, 5। तो 5 लोगों को 5 रूम के अंदर 6 लोग भरने हैं, तो सब में एक एक जाएंगे पहले, फिर एक बचेगा, फिर एक को कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करोगे तो आगे वाले रूम में कर दिया, तो अब खाली रूम कितने बचे सर? 4 बचे। खाली रूम का मतलब एक एक कितने ऑक्यूपाई हुए सर? आधे रूम। ठीक है ना, 4 रूम। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर? साहिल, स्वास्तिका? यस सर। एक लास्ट है मेरे पास, क्रिप्टन। और क्रिप्टन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 36। जरा ये बताओ। हाँ थोड़ा ज्यादा हो गया, आई नो दैट थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट कोई बात नहीं, यू कैन डू इट। अच्छा, 3D के बाद क्या आता है? 4P आता है, पता होगा ना? यस सर, यस सर। अब देखो 4P आके, अब 4P के बाद फिर तुम्हें पता है क्या आ जाता है? 5S। लेकिन मुझे लगता है कि 5S की जरूरत नहीं पड़ेगी, पी के बाद चेंज हो जाता है ना, 5S आ जाता है। लेकिन फिर भी करो, मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली पड़ेगी नहीं, 36 तक कंप्लीट हो जाता है जहां तक मुझे याद है, क्योंकि 36 के बाद एक नया वो स्टार्ट होता है जैसे 18 के बाद होता है। तो कितने एनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे? माइका कह रही है 4 आएंगे। ओके, 0 है स्नेहा? हाँ सर, मेरा 0 है सर। 0 है पक्का? हाँ सर। लॉक करते हैं, देख लो। यस सर, 0। यस सर, सब भर दे सेल। देखते हैं 1s2। वैसे 36 है, ऑफ कोर्स 36 एक नोबल गैस होता है अगर तुम्हें पता हो तो। क्रिप्टन है ना, क्रिप्टन एक नोबल गैस है, तो सारे पेयर ही होंगे, बट स्टिल चेक कर लेते हैं। 2p6, 3s2, 3p6, ये 4s2, 3d। अब 3d में d में 5 होती है तो 10 आ गए। ठीक है, अब ये टोटल कितने हो गए? देखो देखो, यहाँ तक हो गया था मेरे पास 20 और यहाँ तक हो गया 30। अब बचे कितने? 6। अब d के बाद क्या आ रहा है? 4p। d के अंदर भी 6 आ सकते हैं लोग, तो 6 के 6 आ गए, नहीं आ गए? इसका मतलब 4p पे बात खत्म हो गई, नहीं हो गई? हो गई। अरे भाई ये टोटल 36 हो गए, नहीं हो गए? 2, 2, 6, 10, 2, 6, 2, 20, 10 और 6, 36। तो टोटल 36 हो गए। बताना अनपेयर्ड कितने हुए फिर? 0। कोई अनपेयर्ड बचा ही नहीं। डी के अंदर भी सारा फिर से मतलब पूरा एकदम रूम पैक हो गया। ये तो सबसे अच्छी बात है। मान लो तुमने 10 रूम करे अपने होटल में और तुम्हारे मेहमान कितना आए? टोटल 20। तो बताओ वो खुश रहेंगे नहीं रहेंगे तुमसे? और तुम्हारे लिए भी मजे आ गए। क्या कोई भी एक्स्ट्रा रूम खाली हुआ या कोई भी एक्स्ट्रा इंसान आया जो कहे कि अरे यार तूने एक रूम में 3 लोग डाल दिए, मैं गुस्सा आ गई, ऐसा कोई बोलेगा तुम्हें? एकदम इसे कहते हैं प्रोडक्टिव काम, एकदम अच्छा काम हुआ है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को? माइका? सर वो गलती से हो गया था। हाँ कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, अभी 11th क्लास में ऐसा होता है, चिंता की कोई बात ही नहीं है यार। ठीक है, गलतियां होंगी, मैं तो चाहता हूँ गलतियां करो ताकि गलतियों से भी सीखने को मिलता है। हाँ भाई, the unpaired electrons in aluminium and silicon are present in the 3p orbital. ठीक है, इसने एक बात बोली हमको, हमें पता ही है तू क्या बोल रहा है भाई। अब ये कह रहा है which electron will experience more effective nuclear charge? देखो अब इनमें से कौन सा वाला more effective nuclear charge को फेस करेगा? देखो effective nuclear charge का मतलब nucleus सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लगाएगा। अब न्यूक्लियस सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लगाएगा? देखो न्यूक्लियस फोर्स उसी पे, देखो न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर क्या होता है? प्रोटोन होता है, यस और नो? यस सर। अच्छा, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है न्यूक्लियस? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है, तो जिसके पास जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगा। अरे नहीं समझ में आया? न्यूक्लियर चार्ज का मतलब जो न्यूक्लियस फोर्स लगाए। मान लो ये छोटा सा हाथ है और ये बड़ा सा हाथ है, कौन ज्यादा इफेक्टिव है, ये छोटा सा हाथ या बड़ा सा हाथ? बड़ा वाला हाथ। तो इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर जितने ज्यादा देखो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन भी होते हैं, पता है ना ये बात? अरे yes, बोलो sir. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है हमसे कि कौन सा वाला ज्यादा इफेक्टिव मेरे पास फोर्स लगा रहा होगा। तो अब तुम्हें पता है कि एक बोल रहा है ये एक है मेरे पास सिलिकॉन और एक है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और सिलिकॉन का होता है 14। तो सिलिकॉन का तो अभी निकाले। हाँ अभी 14 करा है हमने, ठीक है ना? तो अब देखो दोनों के अंदर ही जो प्रोटोन है इसके भी प्रोटोन 13 है, इसके भी प्रोटोन 14। सिलिकॉन में ज्यादा लगेगा। तो अब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा कहाँ पे लगना चाहिए? मैक्सिमम न्यूक्लियर चार्ज तो बताओ किसमें लगना चाहिए? तो सिलिकॉन में लगना चाहिए। याद है एक दिन मैंने तुमसे पूछा था कि न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज कम हो जाता है 10th क्लास में, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन में होता था मकड़ी के जाल 1, 2, 3, 4, 5, याद आया? पीरियड में जब गए थे आस्था माइका, पीरियड में जाने से साइज कम हो जाता है
क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे तो प्रोटॉन बढ़ जाता है तो वो साइज को खींच लेता है। याद आया कुछ 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 भाई, जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक ही फोर्स हुआ तो एक रस्सी से खींच रहा है, अब दो इलेक्ट्रॉन होता है दो रस्सी से खींच रहा है तो साइज छोटा हो गया, तीन रस्सी हुई तो तीन रस्सी से और खींचेगा, चार रस्सी हुई तो और खींचेगा, तो बताओ तीन रस्सी से खींचने में ज्यादा खींचेगा साइज या चार रस्सी से खींचने में ज्यादा खींचेगा साइज? चार, चार से ना, तो चार रस्सी कहाँ पे है जरा बताओ, सिलिकॉन वाले में ना, हर में यार ये तो पता है ना 284 टेंथ वाला ज्ञान, तो ये फोर लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन से मतलब है ना, तो यहाँ पे चार रस्सी से खींचा जाएगा, यहाँ पे सिर्फ तीन रस्सी से खींचा जाएगा लास्ट में, तो इसलिए ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज कहाँ पे हो गया प्यारे प्यारे बच्चों? सिलिकॉन। तो why? Because it has a four protons और एल्यूमिनियम के अंदर it has only three इलेक्ट्रॉन की बात थी ना अनपे। मैम कौन सी दुनिया में हो आप, क्या आएगा क्वेश्चन पढ़ना, which experiences more effective nuclear charge? ठीक है मैम, मतलब कि हम लोग अगर कंपैरिजन करेंगे तो अनपेड के हिसाब से करेंगे कि इस ये 10th वाले जरूरी नहीं। एक सेकंड, पहले तो तुम चुप रहो, तुम यानी क्या बोले जा रहे हो? हाँ, तो हमारे पास मैम यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन की बात चल रही है, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है, ठीक है, तो न्यूक्लियस में मेरे पास जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना ज्यादा चार्ज लगता है, बात खत्म हो गई है, अनपेड की यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास, हाँ भाई कह रहा है अब इनमें से किसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, न्यूक्लियर सॉरी विच एक्सपीरियंस मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, 2s या 3s, तो बताओ किसका ज्यादा लगेगा, सोच है ना। 2s। अब देखो मुझे एक बात बताओ, कहीं पे मान लो ट्रांसफॉर्मर फूक गया, ठीक है, तो एक लड़का ठीक उसके सामने खड़ा था और एक लड़का 1 किलोमीटर दूर था, कौन किसको ज्यादा खतरा है? सर जो पास में सामने खड़ा होगा, तो इसका मतलब अब जो पास में खड़ा होगा उस पे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा, तो जरा बताना 2s पास में होता है या 3s पास में होता है न्यूक्लियस के? 2s, 2 सेकंड, और सेकंड मेरे पास शेल है ये, तो किसका ज्यादा लगेगा? 2s का। और 3s तो 3 पे है तो दूर है, तो उसमें तो कब लगेगा ना चार्ज, ठीक है, ऐसी ये 4d और ये 4f है, तो जरा बताना किस पे ज्यादा पास लगेगा, 4d या 4f? अब कुछ लोग कह रहे हैं सर 4 तो दोनों का डिस्टेंस सेम ही है, लेकिन जरा मुझे एक बात बताओ, जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हो तो कौन ज्यादा पास आता है? सर 4d। 4d पहले आता है, 4f बाद में आता है, तो ज्यादा चार्ज किस में लग रहा होगा? 4d। तो 4d विल एक्सपीरियंस मोर न्यूक्लियर चार्ज देन द 4f, इजंट इट? अच्छा, और लास्ट है 3d और 3p, किस में ज्यादा लगेगा? 3p। क्यों? ज्यादा पास है, क्योंकि वो ज्यादा पास होता है, ठीक है ना, तो इस तरीके से मैं बोलना है, ठीक है भाई, याद रहेगा, जिसको सीरीज याद है उसको कोई दिक्कत कभी आई? यस सर। स्वास्तिका, माइका, यस, क्षितिज, क्षितिज मेरी आवाज आ रही है, चंदन कोई डाउट है? वैष्णवी, वैष्णवी सर, ये 3s और ये 3p और 3d में किसका ज्यादा लगेगा? सर आप मुझे एक और बार समझा दोगे? समझ नहीं, देखा मतलब मैंने, अच्छा देखो मेरे पास ये जो मैंने सीरीज बताई थी ना 1s to 2s to 3p, इस तरीके से 2s 2p 3s 3p, फिर मेरे पास 4s फिर 3d, इस तरीके से होता है, जो पास में होता है उस पे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज लगता है, 2s और 3s है मेरे पास, तो इसमें तो साफ ही साफ दिख रहा है कि कौन न्यूक्लियस के पास में होगा 2, तो इस पे ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स लगाएगा। 4d और 4f इनकी तो शैली एक जैसी है, तो 4d पहले आता है, f बाद में आता है, तो 4d पे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, ऐसी मेरे पास अब, हाँ हाँ, अगर 3p और 4s, 4s और 3d पूछा तो, 4s और 3d, 3d पूछेगा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, इस केस के लिए, अच्छा ये वो बहुत अच्छा चीज पूछ लिया, इस केस के लिए ना हम शेल को प्रायोरिटी देंगे, शेल को, 3d वाला जो है तो 3d वाला मेरे पास शेल के अंदर ही है, तो तुम 3d को ज्यादा बोलोगे, ठीक है ना भाई, तो तुम यहाँ पे प्रायोरिटी किसको दोगे? 3d को, तो 3d वाला ज्यादा फेस करेगा, ठीक है, तो ऐसे मेरे पास 3d और 3p है, तो इस तरीके से कौन पहले आता है? 3p, तो 3p को ज्यादा फोर्स लगेगा और 3d को कम लगेगा, क्योंकि वो पास में, ठीक है, पास वाला देखना यार, पास वाला बस मेन चीज तुम ध्यान रखो, ठीक है, किसी कोई दिक्कत है इसके अंदर? No, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, स्वास्थ्य का क्वेश्चन रीड करो, व्हाट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज?
ठीक है, अब मैंने तुम्हें क्या बताया इफेक्टिव न्यूक्लियर, वैसे एक बात बताओ ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की इतनी इतनी कहानी इसने सुनाई हमें और लास्ट में वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूछ रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा बेसिकली किस चीज पे डिपेंड करता है, कैन आई से डिस्टेंस, कि वो कोई भी ऑर्बिटल है या कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, यस और नो? भाई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिटल में होते हैं और न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस और ऑर्बिटल के बीच में कितना डिस्टेंस है उसी चीज के तो वो डिपेंड करता है, अभी हमने यही तो किया थोड़ी देर पहले, यस और नो? तो जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा भाई मेरे, अगर जो ट्रांसफॉर्म से दूर होता जाएगा तो मतलब नुकसान के ज्यादा चांस है कम चांस है? कम चांस है ना, तो वही तो कह रहा हूं, कम ही तो बोला है सर। अच्छा ठीक है ठीक है, तो इसका तो मैंने उल्टा पूछा था, मैंने डिस्टेंस बढ़ाया था तो डिस्टेंस, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, एक ही तो बात है सर। हां हां ठीक है ठीक है, सही बोला था साहिल, ठीक है। तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो डिस्टेंस बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का इफेक्ट कम हो जाएगा, राइट? अब जरा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रोमीन एटम में 35 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन तो कह रहा है 2p के अंदर है, 3 इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन इन 3p, 3p में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, अब ये कह रहा है कि एन 4p के अंदर, 4p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, अब जरा बताओ इनमें से सबसे कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसमें लग रहा होगा? सबको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसमें कम लग रहा होगा? 4p। रीजन बताओ इसका सर, दूर, क्योंकि जो 4p वाला है वो सबसे दूर है, तो अगर सबसे दूर है तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, सबसे कम लगेगा ना, और सबसे ज्यादा किसमें लगेगा वैष्णवी? 2p, क्योंकि 2 वाला 2p जैसे ये न्यूक्लियस है तो 2p वाला पास में, 3p वाला अगले में और 4p वाला बाद में, तो ये न्यूक्लियस इसको नहीं कर पाएगा, लेकिन सामने सामने बिल्कुल होगा। जैसे मान लो तुम अपने घरों में रहते हो और तुम्हारे फ्लैट के सामने कोई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तो तुम्हारी दोस्ती उससे अच्छी होगी या कोई बहुत ही नागालैंड में उससे अच्छी दोस्ती होगी? तो सबसे पास में, पास में फ्लैट व्लैट में तो दोस्त बन ही जाते हैं ना, ठीक है? जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है तो सोसाइटी में तो हो ही जाता है ना, सोसाइटी में आपस में। चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है? तो यहाँ तक ऐसी दिक्कत नहीं है, सोसाइटी में जब तुम घूमते हो तुम्हें लोग नहीं दिखते आस पास? सर दिखते हैं, पर दोस्ती नहीं होती है। जब तुम स्टाइल मारते पहुंचा था, नहीं होती है सर। चलो ठीक है, सो कैसा लगा सर का मजाक? चलो ठीक है भाई, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब माई का मेरी आवाज आ रही है? एक तो हमारे बच्चे इतने सैड रहते ना, मैं क्या बताऊं। अच्छा ठीक है, मेरे पास ये आएंगे नहीं, क्यों नहीं आएंगे? अच्छा मतलब कितने फिर से आ गए, फिर से कपड़ा आज हम नहीं सर, नहीं कितनी बार प्रैक्टिस की ना। हाँ प्रैक्टिस करिए तो थैंक्स टू मी बोलो, ठीक है? तो देखो अब ये मेरे पास है, सबसे पहला देखो मेरे पास, चुप हो जाओ तुम, तो ये तो लेटेस्ट लेते 2015-16 की है। कोई बात नहीं भाई, ठीक है सब चलता है इतना। हाँ प्यारे प्यारे बच्चों, मतलब बच्चे बोलने लग गए आजकल, तो बच्चे क्या हो गए, बहुत फालतू बोलने लग गए आजकल। सर रिजल्ट का डेट तो आपको पता चल गया होगा, सीबीएसई ने बता दिया होगा यार। अभी ना सर्वदलीय बैठक हुई थी हमारी, उसमें हम डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ शीट अभी चेक नहीं हुई है, तो उसमें डिसाइड होगा अभी। सर अगर शीट पे पानी गिर जाता है फिर क्या सर? तो हम सुखा लेते हैं, तो हम धूप में सुखा लेते हैं उसे। अच्छा ठीक है भाई, बकवास मत करो, बकवास करने में देखो कितना मजा आता है, बस 24 घंटे बकवास चलती रहे तो फिर तो हम दिन रात क्लास ले लें, है ना? अच्छा आज तो मैं कुछ करना नहीं है क्या आगे, क्या बोलोगे तुमने पढ़ाई? एक फीलिंग आती है अच्छी वाली, देखो आज तक कितनी एक्साइटेड है, बस बोल नहीं रही है, लेकिन एकदम चुप हो जाओ, नहीं आए, मतलब ये तो जुमला है, मैं नहीं मानता इतनी अच्छी। ये सब बोलने वाली बातें हैं, ये सब ऐसी बोल दी है, इसको पता है कि 97 से कम तो आने नहीं है। मेन दिक्कत है, मेन पता है, कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जिनको डाउट पता है किस चीज में, 99 आ सकते हैं 98, अगर बहुत ही गंदा टीचर हो मुझे तो ये डाउट है 80 से ऊपर आ जाएंगे तो ये। चलो ठीक है, अच्छा चलो बकवास मत करो, 60 आता है ये, अच्छा ये संकल्प बोल रहा है सर, बच्चे मेरे बारे में बोल रहा है, सब बच्चे मिलके, सब बच्चे मिलके इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करो, पास हो जाए बस। हाँ वेरी गुड, 34 आ जाए ना, वेरी गुड
चलो ठीक है, अब आ जाते हैं 2.62 पे। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ इनमें से क्या कर रहे थे, तो क्वांटम नंबर, हाँ क्वांटम नंबर ही कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें बताओ कि इनमें से किसकी एनर्जी मेरे पास सेम, द क्वांटम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो, अरेंज द ऑर्डर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। अच्छा यार मुझे एक बात बताओ, एनर्जी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? ऑर्बिटल के ऊपर ही तो डिपेंड करती है भाई। हाँ मतलब ऑर्बिटल हो गया ना, ऑर्बिटल कहाँ पर प्रेजेंट है उस चीज पे तो डिपेंड करती है। तो क्या उसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर की कोई वैल्यू होती है क्या? नहीं। अबे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो ये बताता है कि कौन सी ऑर्बिटल में है, और स्पिन क्वांटम नंबर ये बताता है पेयरिंग में या पेयरिंग में नहीं है। तो उससे क्या मतलब हमें, हमें तो ऑर्बिटल देखनी है। तो ऑर्बिटल देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, बस पहले पहले। तो जरा बताना, देखो उसको देखो ध्यान से पहले वाले को, इसमें एन इज इक्वल टू 4 है और एल इज इक्वल टू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 4D। भाई जीरो के लिए एस होता है ठीक है ना, और वन के लिए पी होता है और टू के लिए डी होता है, तो ये हो जाएगा 4D। यस और नो? यस सर। अच्छा इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, देखो 3D हो गया। अच्छा वैष्णवी, कोई नहीं बोलेगा वैष्णवी, इस तीसरे वाले के लिए क्या हो गई ऑर्बिटल? दिखाई नहीं दे रहा है। एन इज इक्वल टू 4, एल इज इक्वल टू 1। तो स्क्रीन पे नीचे करिए, करी तो है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, जीरो है तो एस, वन है तो पी, अच्छा टू है तो डी, और थ्री है तो एफ, बस बात खत्म। और जो एन होता है, एन तो वही रहता है, ये थ्री है तो थ्री तो रहेगा ही रहेगा। अब एन इज इक्वल टू 2 है, एल इज इक्वल टू 2 है, तो एल इज इक्वल टू 2 पे क्या होता है 3D। अच्छा इसका क्या हो जाएगा 3E, और इसका क्या हो जाएगा 4P। सर अगर एल की वैल्यू सपोज करिए 400 आ गई तो क्या होएगा? अच्छा एल की वैल्यू 400 आ गई, नहीं नहीं ये तो कम ले लिया तुमने, 400,000 ले लो, 4 करोड़ ले लो, और 2,000,000 करोड़ मैं अपने देशवासियों को समर्पित करता हूँ, यही ले लो ना सर। वो तो दुख दर्द ऐसा नहीं है भाई, ऐसे कुछ भी डाटा नहीं है, वैल्यू कभी भी 4-5 से ज्यादा नहीं आती है ठीक है, यही तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। ऐसा थोड़ी कुछ भी, तुम बजट थोड़ी पेश कर रहे हो देश का, गरीब की रात को उसके लिए थोड़ी दे रहे हो ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, देखो ये भी 4D है, क्या कहीं पे किसी को 4D दिख रहा है? क्या किसी को 4D फर्स्ट दिख रहा है? अरे भाई ठीक है, क्या किसी को 3D और 3D दो दिख गए? यस सर। इसका मतलब सेकंड वाला और ये फोर्थ वाला दोनों की एनर्जी सेम नहीं हो गई? हो गई। yes, सेकंड वाला और फोर्थ वाला दोनों सेम है, और सर थर्ड और फिफ्थ वाला भी सेम है। ठीक है थर्ड और फिफ्थ वाला भी सेम है, कैसे? थर्ड वाला भी फोर्थ भी है, हाँ सिक्स्थ वाला, थैंक्स से बोला करो। यस तो थर्ड वाला, तो थर्ड वाला और ये सिक्स वाला मेरा बिल्कुल इक्वल है, नहीं आया सन में। अब बच कौन कौन से गए, फिर मेरे पास पहला बच गया और फर्स्ट बच गया, पहला और फिफ्थ बच गया राइट। अब जरा मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे ध्यान से देखना, अरेंज करना है यार, और वो भी कैसे अरेंज करना है, किस अकॉर्डिंग अरेंज करना है हमें? एनर्जी वाइज। एनर्जी एनर्जी, तो एनर्जी तो मैं वही सीरीज याद है, देखो फर्स्ट की क्या है मेरे पास 4D है, फिफ्थ का क्या है मेरे पास 3P है, और 2 और 4 का क्या है, 2 और 4 का 3D, 3D और 3 और 6 का क्या है 4P, यही तो है। अब जरा बताओ 1s2 2s2, ये सब तो है ही नहीं, तो 3s पहले आता है, फिर 3s के बाद फिर मेरे पास 3s, फिर 3p आता है, तो इसका मतलब 5 पहले हुआ, 5 पहले हुआ ना, हाँ 5 3p। देखो एनर्जी वाइज एनर्जी बढ़ती बढ़ानी है हमें, बढ़ानी है तो सबसे कम एनर्जी किसकी हुई, 5 की हुई। एनर्जी की बात चल रही है ध्यान रखना, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, एनर्जी कम से ज्यादा जाती है, तो सबसे कम एनर्जी किसकी हुई, 5 वाले की हुई ठीक है। 3p के बाद क्या आता है, 4s के बाद क्या आता है, फिर 3d आता है, तो उसके बाद एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, 3D की। इसका मतलब 2 और 4 आपस में इक्वल हो गए, नहीं हो गए? हो गए सर। ठीक है 3D खत्म, 3D के बाद फिर क्या आता है, 4P आता है, तो फिर क्या हो जाएगा मेरे पास ज्यादा किसकी एनर्जी हुई, 3 is equal to 6 हो गया, और फिर ज्यादा एनर्जी किसकी हुई मेरे पास, 4D की, और 4D क्या है मेरे पास, 1। समझ में आया ये बात? यस सर। एवरीबॉडी लिखिए, हैं सही बार लिखते रहते हैं,
लिख के दिखा तो दी। हां सर स्क्रीन तो वो ही नहीं हो रही है। क्या स्क्रीन चेंज नहीं हो रही है बच्चों की? सर ये इनके प्रॉब्लम हो सकती है सर, पर्सनल डिवाइस में, इंडिविजुअल डिवाइस में प्रॉब्लम हो सकती है। अब ठीक है, अब दिख रहा है बस। ये करा दो यहाँ पे। अरे भाई जिसको सीरीज याद है वो तुरंत कर लेगा यार। 1s to 2s to 2p 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, और फिर 4s, फिर 4s आ जाएगा, फिर 4, मतलब 4s चला के फिर 4p आ जाएगा। सिंपल तो है सर। वेक्टर्स के न्यूमेरिकल कब होंगे? करवा देंगे ना, तो मैं जीडी सर दे रखे हैं ना अलग से। सर तो टाइम है, हमें तो पता नहीं। हाँ करवा देंगे, करवा देंगे, चिंता मत करो। पहले ये तो कर लो सर। नहीं सर। क्या नहीं? बायो वाले का सोचिए। बायो वाले को तभी तो तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट करवा रहे हैं। मैं भी करवाऊंगा ना, चिंता थोड़ी करने, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है चलो सर। ऐसा क्या, अच्छा तो पढ़ाते हैं जीडी सर। हाँ पता नहीं स्वास्थ्य को ज्यादा दिक्कत हो रही है। नहीं सर 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 वो मैथ वाले टर्म यूज करते हैं, हमें नहीं समझ में आता अभी। बायो वाले हैं, मैथ वाले नहीं है। अभी ना एक सेकंड ज्यादा नाटक मत करो। अभी से ज्यादा मेडिकल, अभी से इंजीनियरिंग वाली बात नहीं आ गई है। अभी 3-4 महीने हुए हैं, अभी से हम तो बायो वाले हैं, हमें समझ नहीं आ रहा इतना ज्यादा क्या। और वो तो मैथ वाले, उनको तो बहुत कुछ आ गया, वो साइंटिस्ट बन गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है। रोक दिया करो सर को, सर को रोक दिया करो। सर प्लीज 2 मिनट रुक जाओ, हम बायो वाले हैं, हमें दोबारा समझाओ क्या। हर चीज को एकदम अच्छे से समझाते हैं, मतलब सर सही चल रहा है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब मैं नहीं समझाता, तुम बोल तो इसी तरीके से रही हो सर। देखो इंटरएक्टिव सर। हां वो यही कहना चाहते हैं सर ये बच्चे। एक तीर से दो शिकार हो जाए सब बड़े। सर इसलिए सोचिए, हम बायो वाले आपकी तारीफ कर रहे हैं, क्या बच्चा समझाते हैं। ठीक है मैं याद रखूंगा कि वो सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, जैसा आपने ही समझा पाते हैं। ठीक है चलो भाई, ठीक है कोई बात नहीं भाई, हर किसी का अलग होता है, हम सम्मान करते हैं टीचर का। मैं तो चाहती सर आप ही पढ़ाओ फिजिक्स सर। मैं चाहती सर यस सर, आप हम लोग को करा दीजिए फिजिक्स का। मैं भी करवाऊंगा, सर भी करवाएंगे। मैं उनसे बोल दूंगा कि बायो वाले बच्चों का थोड़ा स्पेशल ध्यान रखा जाए। मैं उनको बोल दूंगा, मैं एक लेटर लिख देता हूँ उनको। ठीक है सर। ऐसे क्या मतलब, ये 10th में क्या मैथ्स करी नहीं क्या? मतलब इन्होंने वही तो मैं भी कह रहा हूँ भाई। मैं अपने घर पे क्या कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ। चलो ठीक है, हाँ हाँ चलो थोड़ा बहुत फर्क हो गया होगा। ठीक है सर, थोड़ा बहुत बहुत फर्क होता है सर। मैं तो कोई चैंपियन हूँ नहीं, मेरे भी कमी आते हैं, मैं इसलिए कह रहा। क्या बात होती है ये? अच्छा ठीक है भाई, अगर हो गया हो तो विधानसभा भंग कर दे। नहीं सर अभी सर बायो और मैथ में लड़ाई चलने वाली है। ठीक है नहीं सर। हाँ हाँ ठीक है। आस्था तुम्हें कुछ कहना है इन दोनों को शांत करवाने के लिए? ये लोग 2-3 महीने में प्लस माइनस भूल गए हैं शायद। कैंसिल है ये तो। मैं तो वही कह रहा हूं, ये तो मैं भी तो यही कह रहा था। ये तो बायो वालों ने भी कड़ा पहाड़ कर दिया। बायो उन्होंने भी यही बोला, बायो बायो वाले बच्चे के ऊपर कड़ा पहाड़ कर दिया। तो आस्था ने नहीं सर, सर मैं भी वही कह ना, मीटिंग बैठाई जाएगी, ये गलत बात है सर। ये तो बात नहीं होती, मैथ से लेके सब कुछ भूल गए सर। वो अच्छा नहीं लगता था, तो बायो में इंटरेस्ट था सर। मैथ वाले ऐसा कुछ नहीं है कि प्लस माइनस भूल गए हम। ये बात नहीं तो सर हम लोग को आता है सर। किए वैसे आज बहुत अच्छा लग रहा है। यस यस यस, कंटिन्यू। और थोड़ा सा और माइका माइका सर, इस बार सर आप रिकॉर्डिंग का टाइटल रखिएगा बायो वर्स। माइका तुम्हें कुछ कहना है? अच्छा वैष्णवी एक बार और, कि तू ना ज्यादा मत भूल। कार्तिक बोला मैं घर पे हूँ इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। सर वो मुझे कह रहा था। नहीं सर ये लोग सच में ऐसे ही करते हैं कि हम मैथ्स वाले बच्चे नहीं हैं, हमें तो कुछ नहीं आता। अभी से ये लोग करके ना आपस में अलग अलग हो गए। हाँ सर ऐसी लड़ाई हो जाएगी, बताइए सर। सर सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है, हमारा अलग है, हमने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने ताकि को अलग ना, इसलिए अन्वेषा तो बहुत सही है। अन्वेषा के पास तो दोनों ही चीजें, बताओ। अंकल क्या कह रहे हैं अन्वेषा, नैया डूबेगी तुम्हारी।
सब बहुत बुरा होता ही है। अनवेशा कुछ कहना है क्या? सीधे बोला पहले अपना देख ले। सर आप बहुत कुछ तो बोलो, आग लगा रहे हो, कुछ तो बोलो, ऐसा थोड़ी होता है कि सर आप ना सच बता रहे हो, सर आप सिंगारी हो, मल्टी टैलेंटेड लोग जो मैटर हो सर। सर पर मजा आ रहा है आज तो, ने तो ऐसा कमेंट जानबूझ के बोला था ताकि थोड़ा सा और आग चिंगारी में घी डालने का काम कर दिया। किसी को बोलना है कुछ और, किसी को बोलना है? अच्छा चलो चलो ठीक है भाई, किसी को बोलना न्यूमेरिकल लीजिए। ठीक है मैं भी लूंगा न्यूमेरिकल और सर भी ले रहे हैं। ठीक है दोनों एक तीर से दो दो शिकार हो रहे हैं तो और क्या चाहिए तुम्हें? हम भी बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ की हिमांशु सर भी ले लें तो और बढ़िया हो जाएगा। नहीं सर नहीं, ठीक है सर। और समीक्षा मैम भी ले लेंगे डेफिनेशन पार्ट, थोड़ी बहुत डेफिनेशन जो होते हैं वो है सर। तो कितना अच्छा, हाँ देखो कितना खुश हो गया हो। हाँ सर न्यूमेरिकल और थ्योरी ले लो सर प्लीज। हाँ मैम सॉरी, सब मेरे हिमांशु सर लेंगे तो और अच्छा है, सब बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। ठीक है चलो ठीक है, तुम ये क्या कहना चाहती हो मतलब? सर आपके खिलाफ क्या कह रहे हैं ये लोग? कुछ लोग इनडायरेक्टली ये जो राजनीति खेल रहे हैं ना मेरे खिलाफ सर, मैं ठीक है करो ठीक है ठीक है। वैसे जब तुम एक बच्चा कुछ कह रहा है सर इन्हें गांव भेज दो सीलमपुर, और सर इनसे कहिए कि कम बोला करें सर प्लीज पढ़ लें। कौन से स्ट्रीम का है सर? कौन से स्ट्रीम का है? कार्तिक है, कार्तिक है। मैथ वाले नीचे हो रहे हैं इसलिए बोल रहा है। भाई मैथ सबसे अच्छी होती है, कार्तिक बायो तो कुछ नहीं होती। एक सेकंड कार्तिक ने बोला है सर इन्हें गांव भेज दो सीलमपुर, ये वही है सर इनसे कहिए कम बोला करें। वो एक कम बुला करो, चलो ठीक है हम सबका सम्मान करते हैं, सबका रिस्पेक्ट करते हैं। चलो चलो बस बकवास नहीं, वापस आ जाते हैं। बताओ कोई बच्चा रिकॉर्डिंग देखेगा, ये सब क्या हो रहा है? कह रहा मैं तो पढ़ने के लिए आया था और यहाँ पे कुछ अलग ही टाइप का चल रहा है, और वो भी पूरे 5 मिनट से भी ज्यादा हो गया। बताओ चलो वापस आते हैं। चलो देखो 2.61 पे आते हैं, तो 2.61 के अंदर अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कुछ बताया था तुम लोगों को? Yes, sir. तो देखो अब ये कह रहा है कि पोजीशन को निकालने में इतना एरर आया है 0.002 नैनोमीटर। ये बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत ही छोटी वैल्यू है। अबे बहुत छोटी वैल्यू है 0.002 और वो भी नैनोमीटर, तो इसका मतलब पोजीशन को निकालने में इतना हमारा एरर आया है। तो ये क्या हुआ, डेल्टा एक्स या डेल्टा पी? डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स हुआ ना, ये डेल्टा एक्स निकालने की वो, अरे भाई क्या था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी? वी कैन नॉट फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी टुगेदर, राइट? मोमेंटम जो बोला था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कैलकुलेट दी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, तो हमें निकालना क्या है? अब मोमेंटम बोल रहा है, वेलोसिटी नहीं, तो मुझे निकालना क्या है? डेल्टा पी निकालना है ना सर। एक क्वेश्चन था सर। हाँ हाँ सर, जहाँ पर देखा रखा होता है सर किसी बॉडी का अगर मास है और हमें उसमें अनसर्टेनिटी सपोज बतानी है वेलोसिटी में, तो सर वो डेल्टा एक्स के साथ एम लगा देते हैं, वो एम क्या रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि भाई क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और मास तो हर किसी का कांस्टेंट होता है, तो हर किसी का मास कांस्टेंट होता है, तो उसमें अनसर्टेनिटी कैसे निकल के आएगी? लेकिन वेलोसिटी में तो चेंज हो सकता है, इसलिए इस डेल्टा पी को हम लिखते हैं एम इनटू डेल्टा वी, क्योंकि मास में कभी एरर नहीं हो सकता, मास इज अ कांस्टेंट, और डेल्टा वी के अंदर हो सकता है, इसलिए डेल्टा पी को हम क्या लिखते हैं, एम इनटू डेल्टा वी। आया समझ में? थैंक यू सर। इसीलिए तो डेल्टा पी के बाद हम क्या लिखते हैं, डेल्टा वी लिखते हैं। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? तो भाई अब तुम्हें क्या निकालना है, लेकिन उसमें वी ये नहीं बोला, उसमें बोला कि टोटल मोमेंटम ही निकालो। तो जब मोमेंटम निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या मैं इसका एम इनटू डेल्टा वी करूंगा क्या? अरे बोलो, फिर से मौन धारण कर लिया सबने। यस सर। तो डेल्टा एक्स, तो क्या था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एम आई राइट? यस सर। तो मैं अच्छा बताओ जरा एच की वैल्यू कितनी होती है स्वास्तिका? 6.626 × 10⁻³⁴ जूल। यस, जूल पर सेकंड, जूल सेकंड। अच्छा 4 और पाई की, पाई की वैल्यू कितनी होती है? तो आप ऐड कर दीजिए। ठीक है ठीक है, पाई कितना होता है? 3.14। अच्छा डेल्टा एक्स तुम्हें दे रखा है क्या? अरे गांव के बच्चों, डेल्टा एक्स दे रखा है ना, तो वो इधर आ जाएगा डिवाइड होके, तो 0.02 हो जाएगा। यस नो? और ये क्या दे रखा है मेरे को, नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹, तो बस डेल्टा पी निकल के आ जाएगा। अरे भाई इन सबको कैलकुलेट कर लोगे, जितनी भी पावर्स होती है उनको एक साथ कर लो और फिर डिवाइड कर लेना। नहीं आ रहा समझ में, देखो। अरे यार कुछ, हाँ नहीं कुछ तो बोला करो यार, अभी तो बहुत चिल्ला रहे थे। नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, नहीं आ रहा। ठीक है ठीक, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पता है माई का?
क्या था उसने क्या बोला था कि हम पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ नहीं निकाल सकते, वैसे वेलोसिटी होता है मोमेंटम के अंदर, तो ये फॉर्मूला आया था अगर तुम्हें याद हो, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एच अपॉन में 4π, ये याद है, ये लॉ आया था उसका। तो अब क्वेश्चन अगर तुम पढ़ोगे ध्यान से तो तुम्हें डेल्टा एक्स दे रखा है, अनसर्टेनिटी का मतलब एरर, तो तुम्हें डेल्टा एक्स का एरर दे रखा है, देखो पोजीशन का एरर, तुम्हें कह रहा है मोमेंटम का एरर तुम्हें निकालना है, और बाकी सब तो तुम्हें पता ही होता है। क्या तुम्हें एच पता नहीं है, क्या तुम्हें फोर पता नहीं है, क्या तुम्हें पाई पता नहीं है, बिल्कुल पता है, ठीक है ना, तो ये सब निकालना है हमें, तो बस एच की वैल्यू रखो, फोर रखो, पाई की वैल्यू रखो और डेल्टा एक्स को धर लिया डिवाइड के बाद, डेल्टा पी क्या हो जाएगा, एच कितना होता है मेरे पास 6.626 इंटू में 10^-34, और ये 4 तो 4 ही रहेगा, 4 की वैल्यू क्या होती है वैष्णवी, बायो है ना तुम्हारे पास, और क्या कुछ नहीं, तो ये पाई क्या हो जाएगा मेरे पास 3.14, और डेल्टा एक्स कितना दे रखा है, डेल्टा एक्स कितना दे रखा है क्वेश्चन में, अरे यार कैसे बच्चे, 0.002 और नैनोमीटर का मतलब क्या होता है 10^-9, ठीक है, तो इस 10^-9 को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 9, तो 34 में से प्लस 9 कर दो और बाकी जितना भी चीजें हैं उन सबको डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो जो भी है, बस डेल्टा पी तुम्हारा निकल के आ जाएगा, ठीक है, जो भी है मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, कैलकुलेशन खुद करो, ठीक है भाई, कर लोगे सीधा कॉन्सेप्ट है, अरे भाई सिंपल फॉर्मूले में तो पुट करना है, नहीं आया कुछ समझ, अब क्वेश्चन कह रहा है तो मोमेंटम था ना सर, हाँ तो मोमेंटम ही तो निकाला है, डेल्टा पी का मतलब मोमेंटम ही तो होता है मेरे भाई, सर तो वो तो डेल्टा वी और डेल्टा एक्स की बात चलती है ना, वेलोसिटी और क्या बोलते हैं हम पोजीशन एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते भाई, मेरे भाई क्वेश्चन पढ़ एक बार, कैलकुलेट दी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी का मतलब एरर इन मोमेंटम, ठीक है, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर, Yes, वैष्णवी, स्वास्तिका, अन्वेषा, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया ये मैंने वैसे, हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग वो तुम्हारा भाई है जो ऐसे बोल रही हो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं वो आइंस्टीन, आइंस्टीन जी हाइजेनबर्ग, ठीक है, इस तरीके से प्रॉपरली, वेरी गुड, अच्छा मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 60, देखो कह रहा है एक वेलोसिटी है प्रोटॉन मूविंग विद अ पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्ट दे रखा है और उसकी वेलोसिटी में दे रखी है m/s, मतलब वोल्टेज इसका ये है और इसकी वेलोसिटी ये है मेरे पास, ठीक है भाई, कह रहा है इफ दी हॉकी बॉल ऑफ मास 0. मूविंग, देखो हम कंटेंट निकाल लेते हैं, कह रहा है वेवलेंथ निकालो, अच्छा मुझे एक बात बताओ तुम्हें ये v दे रखा है, ठीक है, और तुम्हें मतलब इस पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करके उसकी वेलोसिटी बढ़ गई और कह रहा है उसका कुछ मास है, अब कह रहा है वेवलेंथ निकालो, अच्छा कुछ याद आ रहा है कि जो मेरे पास वेवलेंथ निकालने के लिए बोला है, याद है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ H is equal to mv, किसी को याद है या नहीं, yes, sir. और ये यहाँ पे 1000 वोल्ट में जुमला दे रखा है ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ, कंबाइन कर दी थी वो याद है ना, जैसे वेव नेचर था और पार्टिकल नेचर दोनों को मिक्स करके एक निकाली गई थी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी डी ब्रोगली वेवलेंथ, आज था माइका याद आया कुछ संकल्प, yes, sir. लैम्डा इज इक्वल टू एच एमवी, तो ये किसका है, ये पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है, दोनों का यूज करके आया, ड्यूअल नेचर मेरे भाई, समझाया था ना, दोनों एनर्जी को इक्वल कर दिया था, E is equal to mc square और E is equal to h mu, तो कट के यही तो आया था, lambda is equal to h upon mv, नहीं आया सब में, किसको नहीं आया, एकदम बताओ, पर्सनली बताओ, E is equal to mc square, E is equal to hc by lambda, ये पार्टिकल नेचर होता है, ये वेव नेचर होता है, दोनों को अगर तुम इक्वेट कर दोगे, मतलब इतनी बुरी हालत है कि फॉर्मूले भी याद नहीं किए गए इन लोगों से, कॉन्सेप्ट तो दूर की बात है पर जो चल रहा है चलने दो, जैसे 3 ईयर का है ना कि अब जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, इस बच्चे को पढ़ना है और मुझे अंगूठा छाप रहने से बचना है, चलने दो, अब क्या कर सकते हैं, सी से सी कट गया, लैम्डा को उधर ले जाओ, तो ये क्या आ गया, एच अपॉन एम सी आ गया, और सी का मतलब क्या होता है, वी वेलोसिटी, तो यही तो है, H पता है तुम्हें कांस्टेंट होता है, मास तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में ही, और तुम्हें वेलोसिटी भी दे रखी है, यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें जुमला दे रखा है ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ कौन सा फॉर्मूला लगाए, इसने बस ये बोला है इस पोटेंशियल का यूज करके उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई, तो पोटेंशियल का कोई रोल ही नहीं है लैम्डा निकालने में, लैम्डा निकालने में पोटेंशियल डिफरेंस की कोई जरूरत ही नहीं होती, ठीक है भाई, निकल जाएगा,
स्नेहा, चंदन, 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 चंदन घूम रहा है सर और क्लास में बैठ। माहिका, यस सर। अच्छा ये जो वेवलेंथ है ये कौन सा वेवलेंथ है? वेव। अच्छा वेवलेंथ क्या होता है? वेरी गुड। मैंने ये क्यों बोलो ये? हाँ हाँ बोलो बोलो। कैसे कैसे? ये वेवलेंथ क्या है? दो कॉन्सिक्यूटिव। मुझे लग रहा है मुझे इस बैच से इस्तीफा ले लेना चाहिए। इतनी बुरी हालत है इस बैच की। भैया वेवलेंथ क्या होता है? एक पूरी वेव का डिस्टेंस जो होता है। और ये वेवलेंथ कैसे निकाली गई है? पार्टिकल और वेव नेचर का हम यूज करके। तो इस वेवलेंथ को किसने बनाया था? डी ब्रोगली ने बनाया था ना। पता था आपने अचानक से पूरा सब कुछ ब्लैंक हो गई। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, चलो हो जाता है ऐसा। ठीक है पर हमेशा मत हो ना ब्लैंक, कहीं पता लगा जब भी क्वेश्चन पूछो तो देखो उस समय ब्लैंक हो गई थी, आप तो जानते हो। अच्छा ये 59 है। अच्छा ये कह रहा है कि वेलोसिटी आपको दे रखी है मीटर पर सेकंड और आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए बोला है इलेक्ट्रॉन का। क्या इलेक्ट्रॉन का मास तुम्हें पता है? बताओ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है मेरे पास? सबको पता है 9.1 × 10⁻³⁶ kg। इलेक्ट्रॉन का मास पता है ना? कुछ लोगों को तो पता ही नहीं। कह रहे हैं ये कब हुआ भाई? मास होता है सबसे पहले जब केमिस्ट्री के लिए पहली क्लास से तब बताया था। तो इलेक्ट्रॉन का मास तुम्हें पता है, वेलोसिटी देती तो क्या क्या लैम्डा निकाल लोगे? अरे सेम फॉर्मूला तो लगेगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। क्या तुम्हें एच पता है? क्या तुम्हें एम पता है? क्या तुम्हें वेलोसिटी क्वेश्चन में दे दी? यस। तो क्या लैम्डा निकाल लोगे? स्नेहा भाई ऐसे क्वेश्चन ना यार, एकदम मेरा कराने का मन नहीं करता यार। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट हो रहा है यार, ये क्या करवाऊ मैं इसमें बताना एक बार? अब मैं तुम्हें मैथ सिखाऊ कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं? डायरेक्ट तो बोल रहा है सब कुछ, वेलोसिटी दे दी है, मास पता है इलेक्ट्रॉन का और लैम्डा निकालने के लिए बोल रहा है। एच तुम्हें पहले से ही पता है तो एच अपॉन एम वी निकल जाएगा। यस और नो? कार्तिक है तुम बताओ, ऐसा तो बोलेंगे नहीं सर। यस आप हमसे पूछिए सर। ठीक है अब मेरे पास आ रहा है 2.58। अब तुम बताओ सर। हाँ 2.58 कैसे करेंगे सर? एक मिनट पढ़ने तो दीजिए सर। हाँ हाँ पढ़ लो। कहाँ पढ़ रहे हो तुम? अच्छा अपने मन में पढ़ रहे हो? ठीक है ठीक है। देखो इस बार ना तुम्हें वेवलेंथ दे दी है 800 पिकोमीटर और कह रहे हैं वेलोसिटी निकालो, ठीक है वो भी इलेक्ट्रॉन की। अरे यार ये क्या बात हुई? चला पता नहीं अगर लैम्डा को उधर डाल दिया। लैम्डा का फॉर्मूला होता है, मतलब ये तुमको इतना गवार समझ रहा है कि तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते केमिस्ट्री। तो इसलिए इसने इस तरह तुम्हारे लेवल को देखते हुए इसने 3-4 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सर स्कूल वाले ऐसे थोड़ी देंगे। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एम इनटू लैम्डा। अरे जो मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाता है तो मल्टीप्लाई डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू एम लैम्डा। वेलोसिटी निकालनी है ना, लैम्डा दे रखा है, मास दे रखा है, इस बार एच दे रखा है। नहीं आ रहा समझ में। स्नेहा बहुत टफ है ना, क्या करा है जरा बताना मैंने इसमें? हाँ लैम्डा दे रखा है तुम्हें, इस बार सब कुछ दे रखा है, तो इस बार तुम्हें क्या पूछ लिया? वेलोसिटी पूछ ली, तो वेलोसिटी को उधर ले जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? क्षितिज, क्षितिज तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, एक बार बोलो हाय। सब लोग सुनना चाहते हैं तुम्हारी हाय, एक बार बोलो, मतलब हाय सुनना चाहते हैं, हाय लेना नहीं चाहते। यस तो यस क्षितिज एक बार बोलो हाय, हाउ आर यू ऑल, और कैसे हैं सब, ऐसे बोलो एक बार। शिद्दत से बोलो, चैट पे लिख रहा है हाय सर। नहीं 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 कुछ बोलो एक बार कि सर मुझे समझ में आ गया। चलो ये बोलो अगर ज्यादा शर्माते हो तो। क्षितिज समझ में आया या नहीं आया? क्षितिज अरे भाई रिप्लाई कर दे भाई यार। ओह माइक इज नॉट वर्किंग। ठीक है भाई, वैसे कुछ लोग बड़े चलाक होते हैं, माइक का सहारा लेके बोलना ना पड़े, पर ठीक है मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूं। मेरी क्लास में था एक लड़का सर, पहले तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ कर रहे हो क्या? उल्टा सीधा मैंने क्वेश्चन पूछा, बोलना बंद सर। क्या कह रहे हो? तुम्हारी आवाज ना कटकट के आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कुछ अच्छा सा कर रखा है। अच्छा सर कोई नहीं सर,
ठीक है अब सही आ रही है। चलो ये मेरे पास हो गया 2.59 और 2.58 भी, किसी को दिक्कत है इसके अंदर? Yes. अच्छा अब देखो 2.57 भी ऐसी है, मैं नहीं करा रहा, lambda is equal to h upon mv लग जाएगा इसके अंदर। हाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो सकता है अगर मैं देखूँ तो, क्वेश्चन नंबर 55 जरा देखें सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 55 देखें सारे बच्चे एक बार, 55 ये देख रहे हो, emission transition कह रहा है Paschen series, जरा बताना एक बार Paschen series किसके अंदर होता है, Lyman, Balmer, Paschen, तो Paschen में क्या लगता है वो कहाँ पे आया होगा, डेस्टिनेशन मैटर करता है या कहाँ से आया ये मैटर करता है, डेस्टिनेशन मैटर करता है, ये बस मैंने बताया भी था, और ये खुद ही बोल रहा है कि इसकी फ्रिक्वेंसी ये दे रखी है, ठीक है ना, इसने तुम्हें खुद ही लिख के दे दिया कि इसकी जो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, तो इसकी फ्रिक्वेंसी तुम्हें खुद ही दे रखी है क्वेश्चन में ये, और ये एन ऑर्बिट कह रहा है कि अब बताओ आपको एन की वैल्यू निकालनी है, और वैल्यू ऑफ एन इफ द ट्रांजिशन ऑब्जर्व इज 1285 नैनोमीटर कैलकुलेट द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब आपको ये n निकालना है, अब ये n जब आपको निकालना है तो n की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है म्यू, क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है 3.29, देखो कितने अच्छे लोग हैं इन्होंने 3 भी खुद ही लिख दिया और पैशन भी खुद ही बता दिया, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती, 1/3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/n का स्क्वायर, यहां तक कोई डाउट है क्या, ये तो क्वेश्चन में खुद ही बोल रहा है, बोल दो प्यारे प्यारे बच्चों, अरे बोल रहे हो, ये तो क्वेश्चन में खुद ही दे रखा है, क्या तुम्हें लैम्डा दे रखा है, लैम्डा 1285 नैनोमीटर लैम्डा ही होता है, लैम्डा मीटर में लेके निकालते हैं, ठीक है, तो ये भी तुम्हें दे रखा है 1285 नैनोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 1285 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10 की पावर माइनस 9, तो ये भी तुम्हें दे रखा है, इसका मतलब तुम्हें ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है और लैम्डा भी तुम्हें दे रखा है, तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें ये ऑलरेडी दे रखा है ये, तो क्या म्यू का मतलब क्या होता है, कहना इसे सी बाय लैम्डा होता है, म्यू इज इक्वल टू हमें पहले से पता है कितना होता है, सी बाय लैम्डा, तो सी बाय लैम्डा होता है तो पहले से म्यू की वैल्यू निकाल के रख लो, सी की वैल्यू कितनी होती है, ये स्नेहा हाँ, और लैम्डा तुम्हें दे रखा है क्या, तो इससे म्यू निकल के आ जाएगा, म्यू का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, राइट, तो सी तुम्हें ये दे रखा है, लैम्डा तुम्हें ये दे रखा है, तो 10 की पावर जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, 10 की पावर 17 हाँ, हो जाएगा, अब 8 और ये 8 तो 16 और ये हो जाएगा 17, isn't it, तो 10 की पावर इसका मतलब 3/1285 * 10 की पावर 17, अब देखो ये 3 डिवाइडेड तो होगा नहीं, तो इसको मैं देखो ये 1285 है, नहीं जाएगा, तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, 3000 मतलब 30 लगानी पड़ेंगी, तो एक काम करते हैं 30 लगा लेता हूँ मैं यहाँ से, तो जब इस 17 वाले ने 30 दे दी तो अभी ये कितना बच गया, 10 की पावर 14 और ये हो जाएगा 1285, और जरा डिवाइड करना 3000 को 1285 से, तो ये आएगा 12 × 12 = 24, तो 12 × 24 होता है ना, 2400 हो गया, तो 2 तो आ गया 2 पॉइंट और ये बचेगा मेरे पास 6, तो 12 × 12 = 60, तो इट विड बी अराउंड 2.4 आ जाएगा ना, अराउंड 2.4 इनटू में 10 की पावर 14, यस और नो, अरे बोलो पागलो, यस ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया म्यू आ गया, तो म्यू कितना आ गया 2.4 इनटू में 10 की पावर 14 आ गया, यस और नो एवरीबॉडी, अब जब म्यू तुम्हारा आ चुका है तो क्या इस म्यू को तुम इसके अंदर पुट कर सकते हो, ये जो इक्वेशन है ना क्वेश्चन में दे रखी है पहले से ही, अच्छा यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, सस्ता बताओ अभी रुक जाओ अभी बताता हूँ, अगर किसी ने नहीं जवाब, छोड़ दो सर, हाँ अभी छोड़ रहे हैं भाई, देखो तुमको क्वेश्चन में ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशन दे रखा है, ये रहा यहाँ पे ध्यान दो, ये रहा ये, ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है और हमने फ्रीक्वेंसी का सी बाय लैम्डा करके फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल ली, यस और नो, आज समझ में आ रहा है, यस सर, तो अब जो हमने निकाल लिया तो क्या मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ फ्रीक्वेंसी की जगह पे, तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे वैल्यू पुट कर दो 2.4 * 10^14 और पूरा का पूरा यहाँ पे सब कुछ दे रखा है 3.29 * 10^15 और ये 1/3 का स्क्वायर और -1/n का स्क्वायर, अब ये पूरी इक्वेशन बन गई, तो क्या n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यस और नो,
भाई ये 2.4 है इनटू 10 की पावर 4 14 ठीक है 14 डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस अबे डिवाइड मतलब ठीक है बायो लिया तुमने सर ये तो सर 11th में मेरी कह नहीं सकते सर बायो वालों को सर हम क्या करें ठीक है तो फिर स्टार्ट हो जाएगा कोई बात नहीं हाँ करो करो कर स्टार्ट कर दो 3 का स्क्वायर है मेरे पास तो 1/9 हो जाएगा और ये मेरे पास जाएगा 1/n का स्क्वायर ठीक है तो जब 1/n का स्क्वायर इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा राइट यस और नो एवरीबॉडी और ये मेरे पास सारी चीजें इधर आ जाएंगी तो ये 1/n का स्क्वायर इधर आ गया मान लो और बाकी सारी चीजें इधर आ जाएंगी तो 1/9 माइनस का 2.4 इंटू 10 की पावर 14 डिवाइड मतलब 3.29 अब इसे कैलकुलेट कर लोगे भाई n की वैल्यू निकल जाएगी यस और नो एवरीबॉडी भाई n की वैल्यू निकाल लोगे इससे डिवाइड करके यस सर जिसके पास कैलकुलेटर है भी n की वैल्यू निकालो देखो ये 10 की पावर 14 है ऊपर और नीचे 15 है तो जब ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1 तो 10 की पावर माइनस 1 बचा और जब डिवाइड करोगे तो ये मेरा बन जाएगा अप्रोक्सीमेट इट वुड बी अराउंड 0.1 सेकंड तो ये बन जाएगा मेरा माइनस का 0.7 इंटू में 10 की पावर माइनस 1 तो ये आ गया मेरा अच्छा जरा 1/9 में से ये हटाएंगे तो कितना आ जाएगा अरे यार कर लोगे 1/9 है मेरे पास 1/9 का मतलब कितना हो गया मेरे पास मतलब तुम्हें 10 करना पड़ेगा तो ये 0.1 समथिंग आएगा यस और नो एवरीबॉडी तुम लोगों को कुछ नहीं आता तो यहाँ पे मेरे पास 1/n स्क्वायर था तो ये मेरे पास हो जाएगा अराउंड 1/n स्क्वायर है तो मतलब किसी के पास यहाँ पे कैलकुलेटर भी नहीं है कोई कैलकुलेट भी नहीं कर रहा है सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया है कि जैसे कर रहे हैं करने दो ये 0.7 इनटू 10 के वो माइनस होना है ये 1/9 है तो कितना आ जाएगा और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे यस क्या नाम है इसका कार्तिके तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं है सर मैं कर रहा हूँ सर करो जल्दी से 1/9 कितना आया 1/9 तो 0.33 होता है ठीक है और फिर ये तो मेरे पास ये 1/9 अगर तुम 0.33 बोल रहे हो पक्का ना माइनस का ये हो जाएगा 0.7 इंटू अबे 0.33 एक सेकेंड ठीक है और ये 0.7 इंटू में 10 के बाद माइनस 1 तो इसको करो और यहाँ पे n की वैल्यू निकालो ठीक है n की वैल्यू 0.7 आ रहा है सर नहीं 7 लिखा है आपने क्या 9 लिखा ना है ना ये 7 लिखा है मैंने ठीक है लगता है मुझे यूज करना पड़ेगा तुम एकदम गांव के बच्चे हो तुम्हें कुछ नहीं Yes. तो ये मेरे पास एक सेकेंड अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 0. अच्छा ये जो कैलकुलेट करके दिखा रहा है ये मेरे पास आ गया 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 4.029 इंटू 10 की पावर माइनस 2 आ गया ठीक है तो अब मेरे पास n कितना हो जाएगा तो ये नीचे चले जाएगा 1/4 इंटू मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ माइनस 2 अंडर का रूट ठीक है भाई तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा अंडर रूट सॉल्व करने से तो ये हो जाएगा मेरे पास n इज इक्वल टू तो ये आ गया मेरे पास n इज इक्वल टू 4.98 अच्छा जरा बताना 4.98 किसके पास में है चार के पास में है पांच के पास में है पांच तो इसका मतलब n मेरे पास कितना आ जाएगा 5 आ गया ठीक है भाई तो n इज इक्वल टू 5 है इसका मतलब वो कहां से कहां पर आया है इक्वल कैलकुलेशंस आती है एग्जाम में मतलब हां हां आ सकते हैं भाई आ सकते हैं बिल्कुल आ सकते हैं ठीक है अच्छा तो अभी बात बताओ ये कहां से कहां तक आया है मेरे पास 5 से 3 में आया तो ये कौन सी सीरीज हुई मेरे पास पैस्चन और जरा बताना पैस्चन मेरे पास कौन सी लाइन देता है कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन पक्का ये एहसास था कौन सी लाइन देता है हमें इंफ्रारेड
ठीक है, तो लाइन भी इसने पूछी थी, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलो भागो यहाँ से। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर।